सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में बात करने वाले फिर से गेम के अंदर आने वाले काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड गाइस अपडेट्स के बारे में जो आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। देखो गाइस, हमारे गेम के अंदर आने वाला एक काफी मस्त वाला इवेंट जिससे रिलेटेड बैनर हमारे गेम के फाइल में आज ही एड हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग को काफी रेयर फीमेल बंडल मिलने वाला है, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखो गेम के अंदर एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर आप लोग को एक बिल्कुल फ्री का फीमेल का बंडल दिया जाएगा। देखो और बंडल का जो लुक है ओवरऑल काफी ठीक ठाक है। फ्री के रिवार्ड के लिए भाई ये बंडल आप लोग को दिया जाने वाला है। इवेंट के बारे में डिटेल्स आप लोग को वीडियो के अंदर आने वाला हूं। इसके साथ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस के बारे में जो नेक्स्ट आने वाले ओवी अपडेट के साथ आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है, जिससे रिलेटेड भी अपडेट आज के वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को रमजान इवेंट साथ ही हमारे गेम के अंदर आने वाले वैलेंटाइन इवेंट के रिवार्ड्स के बारे में आप लोग को बताया था। एंड आज के वीडियो में आप लोग को आने वाला है हमारे गेम के अंदर जो भाई आने वाला होली इवेंट के फ्री के रिवार्ड्स, जिसके बारे में बताने वाला है। इसके साथ बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाले और भी काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड गाइस अपडेट्स के बारे में। जल्दी से गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही गाइस अगर चैनल पे न्यू आ रहे हो तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले गेम के अंदर आने वाले काफी सारे इवेंट्स अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, साथ ही गाजर टूर्नामेंट अपडेट के बारे में जो आज रात 12 बजे के बाद कल आप लोग को देखने मिलने वाला है। अब गाजर कल रहने वाला 6 जनवरी अंदर कल आपसे को हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला एक डीनो से रिलेटेड स्पेशल रिंग इवेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ भी गाजर देख लीजिए, इस तरह का आप लोग देखने मिलने वाला है रिंग इवेंट कल हमारे गेम के अंदर आने वाले हमारे गेम के अंदर जो रिंग इवेंट है, जिसका भी प्री एक्सेस में आप लोग को काफी पहले दिखाया गया। कल जो है ये जो रिंग इवेंट आप लोग को हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग एक टीनो बंडल, इसके साथ आप लोग एक गन स्किन, एक व्हीकल का स्किन, साथ ही एक लूट बॉक्स एंड पैंट का स्किन देखने मिलने वाला। चाहो तो इस वाले टीनो बंडल को निकाल सकते हो। वैसे टोकन एक्सचेंज का भी सिस्टम इसके अंदर रहने वाला है, तो भाई टोकन एक्सचेंज के अंदर भी आप लोग इस वाले बंडल को निकाल सकते हो। अदरवाइज आपका लक अच्छा हुआ तो ये बंडल आप लोग को वैसे भी स्पिन करने के साथ मिल जाने वाला है। इसके साथ गजर आगे बढ़ने वाले हैं वीडियो में, बात करने वाले हमारे गेम के अंदर 8 जनवरी से 2 इवेंट्स स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले 8 जनवरी को एक न्यू टॉर्नामेंट आने वाला है, इसके साथ बंडल इवेंट खत्म होने वाला है, इसके साथ एक न्यू इवेंट गेम के अंदर स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि ऑलरेडी आप सबको पता है हमारे गेम के अंदर फिलहाल के लिए इवो गन स्किन चल रहा है वुड पेकर का, जिसके ही थीम पे हमारे गेम के अंदर जो गोलवाल का स्किन है वुड पेकर के थीम पे, जिससे रिलेटेड टॉर्नामेंट आप लोग को 8 जनवरी को नेक्स्ट टॉर्नामेंट के अंदर देखने मिलने वाला है, जिसके बारे में काफी पहले मैंने आप लोग को बताया था। गाजर इसके साथ साथ एक और भी इवेंट हमारे गेम के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो गाजर हमारे गेम के अंदर 8 जनवरी से एक आने वाला इवेंट, जिसका बैनर गेम की फाइल में ऑलरेडी एड हो चुका है, बॉय एंड बीन के नाम से एक इवेंट आने वाला है। देखो यार यहाँ पे डेट के बारे में मेंशन कुछ भी नहीं किया गया है, बस बताया गया है 2024 में ये जो इवेंट स्टार्ट होने वाला, बट डेट के बारे में बात करने वाला तो भाई बताया जा रहा है 8 जनवरी से ये जो इवेंट गेम के अंदर स्टार्ट किया जाएगा। बोया एंड बिन के नाम से अगर इवेंट आने वाला है तो भाई इतना तो कर मैं, बोया करने के लिए हम लोगों को रिवार्ड्स दिया जाएगा, साथ से कुछ आप लोगों को माइलस्टोन दिए जाएंगे, जिसके अंदर मिशंस कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को रिवार्ड्स मिलने वाला है। बात करने वाला इस आने वाले इवेंट के बारे में, तो देखो यार ये जो इवेंट 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 17 जनवरी तक ये जो इवेंट रहने वाला है, जिसके अंदर ये बंडल आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया जा सकता है। इसके साथ कुछ और भी रिवार्ड्स भी इसके अंदर दिए जाने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए एक ही बैनर निकल कर आया है। बात करने वाले इस वाले इवेंट के बारे में, देखो यार इसके अंदर एक फीमेल का काफी रेयर बंडल मिलने वाला है। काफी पहले ये जो बंडल है भाई एक स्पेशल बैब हैंड के अंदर डाला गया था, इसके रिलेटेड एक और भी बंडल है जो टाइगर का बंडल है। एंड यार देखो ये जो इवेंट है भाई काफी पहले आया था, 3 साल पहले ये जो इवेंट आया था, जिसके अंदर ये बंडल को डाला गया था। फिलहाल के लिए बंडल काफी रेयर है, आप लोग चाहो तो इस वाले बंडल को जोर से निकाल लेना। आपको पता ही है बंडल के इवेंट तो अब एंड ही हो चुका है, तो भाई इसके बाद कोई इवेंट तो आना बनता है, जिस वजह से गिना पेपर एक फ्री रिवार्ड से रिलेटेड इवेंट गेम के अंदर ला कर दे रहा है। एंड इसके साथ कुछ और भी इवेंट्स भी आप लोग को देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर कुछ और भी डिटेल्स आते हैं तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर इवेंट्स के बारे में अगर बात ही करें तो कुछ और भी इवेंट्स के बारे में बात कर ले तो जो नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर आप सभी को देखने मिलने वाला है। देखो गाजर हमारे गेम का तो जो नेक्स्ट आने वाले अपडेट, जिसके अंदर जो फ्री का रिवार्ड्स मिलने वाला होली इवेंट के अंदर, वो भी यहाँ पे लिस्ट निकल कर आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इस बार के होली इवेंट में आप लोग को एक मेल का बंडल मिलने वाला है, जो देख लीजिए इस तरह का एक बंडल रहने वाला। वैसे यार बंडल नहीं है भाई, इसके अंदर तो बस एक शॉर्ट्स है, बाकी यार ये जो बंडल है आप लोग को बिल्कुल आने वाले इस वाले होली इवेंट के अंदर मिलने वाला है। गाजर होली के टाइम पे ही हमारे इन्हीं के कुछ आइटम को ग्राफी पर फिर से गेम के अंदर कंटिन्यू करने वाला। यहाँ पे देख लीजिए एक बाइक का न्यू इमोट भी आने वाला है, इमोट एनिमेशन इसे बोल सकते हो, साथ से इमोट ही रहने वाला है क्योंकि इमोट जैसा ही लग रहा है देखने में। ये जो इवेंट का बंडल मैं आप लोग को दिखाया हूँ, साथ ही जो इमोट आने वाला वो आप लोग को वैलेंटाइन के टाइम पे देखने मिलने वाला है, क्योंकि जो पिक्चर के अंदर फीमेल का बंडल था वो वैलेंटाइन का बंडल रहने वाला है। एंड ऑलरेडी कल के ही वीडियो में इस बंडल के बारे में आप लोग को मैंने बताया था। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले गेम के अंदर आने वाले कुछ और भी इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में। उससे पहले वीडियो को अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो ये सारे अपडेट्स अगर आप सभी को अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं आ रहा हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब
करके नोटिफिकेशन भी सेट कर रखा भी पड़े आपके लिए ऐसे फ्री फायर सेलेक्टेड वीडियो लाता रहता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ चेंजेस के बारे में। इसके साथ गेम के अंदर कुछ स्पेशल रॉयल आने वाला है जिसके बारे में नेक्स्ट आने वाली ओबी अपडेट के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे फर्स्ट चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो भाई काफी सारे चेंजेस आप लोग को ऑलरेडी मैं बताता रहा हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन यार और भी कुछ चेंजेस है जिसके बारे में बात करने वाले। फर्स्ट जो चेंजेस हमारा निकल कर आ रहा है क्लैश स्क्वाड को लेकर, ये जो चेंजेस है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर किसी भी गन स्किन या फिर किसी भी आइटम को परचेस कर लेते हो जिससे ही आप लोग को मैच को कंप्लीट करना पड़ता है, किसी भी गन स्किन को परचेस कर लेते हो जिससे ही पूरे मैच को आप लोग को खेलना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर ये जो फीचर है काफी मस्त रहने वाला है, क्योंकि हमारे गेम के अंदर जो क्लैश स्क्वाड का मैचेस रहने वाले जिसमें भी किसी भी गन स्किन या फिर आइटम को परचेस करने वाले जिससे आप लोग फिर से रीसेल करके एफएफ कॉइन को ले सकते हो और दूसरी बार भी आप लोग कोई भी गन स्किन को परचेस कर सकते हो। अब इससे आने वाले फीचर्स के बाद टीममेट से भाई किसी भी गन स्किन या फिर किसी भी आइटम के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से ही अगर आप लोग गलत आइटम परचेस कर लेते हो तो भाई उसे रिटर्न करके कोई अलग आइटम परचेस कर सकते हो। आने वाले अपडेट के साथ गेम के अंदर आप लोग को इस तरह के एक साइबर मशरूम देखने मिलने वाला, जिससे अगर आप लोग यूज करने वाले तो इस तरह का सर्कल बन जाने वाला जिसमें आप लोग को ईपी एंड गजर आप लोग को एचपी भी मिलने वाला है। एंड यार इस वाले सर्कल के अंदर कोई भी अगर एनिमी आने वाला तो भाई उसका लोकेशन रिवील हो जाने वाला है। पहले गजर आप लोग को मशरूम सिर्फ ईपी देता था, बट आने वाले नेक्स्ट अपडेट के साथ ये जो साइबर मशरूम आने वाला है आपके एनिमी के लोकेशन को भी ट्रैक करके आप लोग को बताने वाला है, इसके साथ आप लोग को ईपी भी देने वाला है। आने वाले अपडेट के साथ हमारे वेंडिंग मशीन में न्यू चिप ऐड होने वाला है। अगर आप लोग इस वाले चिप को व्हीकल के अंदर रहने वाला यूज करने वाला हो तो भाई व्हीकल के अंदर एक देख सकते हो इस तरह का सर्कल बनने वाला मैप में, एंड इस वाले सर्कल के अंदर कोई भी एनिमी रहने वाला जिसका लोकेशन एंड आपका लोकेशन दोनों का रिवील होने वाला है। इसके साथ एक और भी चिप ऐड होने वाला जो आप लोग को व्हीकल को प्रोटेक्ट करने वाला है, इस तरह के व्हीकल के अंदर आप लोग देख सकते हो प्रोटेक्शन आप लोग को देखने मिलने वाला है। तो ये कुछ स्मॉल चेंजेस है जो नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को देखने मिलने वाला। देखो जैसे जैसे मुझे अपडेट्स मिल रहे हैं वैसे आप लोग को वीडियो में कवर करके बता रहा हूं। बाकी के जो कुछ अपडेट्स है मैंने आप लोग को पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था। इसके साथ यहां पे बात करने वाला, आप लोग पूछ रहे थे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपर रोल कौन सा आने वाला है। अब देखो भाई लोग आने वाले नेक्स्ट वेपर रोल के अंदर जो आने वाला है गन स्किन जिसके बारे में अगर बात करने वाले हैं, इंडियन सर्वर के लिए काफी पहले से ही आपको पता है एक वेपर रोल काफी पहले से ही पेंडिंग है जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो बूट पेकर का सीन है काफी सारे सर्वर के अंदर वेपर रोल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। बात करने वाले इसके ट्वीट के बारे में तो रेंज आप लोग को डबल प्लस देखने मिलने वाला है, मैगजीन 1+ रहने वाला है, एक्यूरेसी 1- रहने वाला है। ये जो वेपर रोल का ट्वीट रहने वाला काफी ठीक ठाक है, ये जो आने वाले हमारे गेम के अंदर बताया जाए नेक्स्ट वेपर रोल के अंदर देखने मिल सकता है। देखो वुड पिकर सभी का फेवरेट गन है, अगर इसे वेपर रोल के अंदर डाला जाता है इस वाले गन स्किन को तो भाई समझ रहे हो काफी मजा ही आने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो में आगे बढ़ने वाली हूँ और बात करने वाले गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवो स्किन के बारे में। देखो गाइस फिलहाल के लिए हमारे गेम के अंदर दो इवो स्किन पेंडिंग है, एक एसीएटी का दूसरा हमारा स्कार का। नेक्स्ट आने वाले ओबी अपडेट के अंदर कोई न्यू स्किन को डिजाइन नहीं किया गया है। आने वाला जो हमारा नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है जिसके अंदर आप लोग को स्कार का स्किन ही देखने मिलने वाला है। पिछले ही वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताया भी था। देखो ये जो स्किन है जिसके अंदर 8 लेवल तक जितने सारे इसके फीचर्स है ऐड भी हो चुके हैं। अगर ये एक सुपर हीरो गन रहने वाला है तो भाई इसके अंदर आप लोग को कस्टम एट्रिब्यूट भी ऐड कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाला है लेवल 5 पे इस तरह का आप लोग को इफेक्ट देखने मिलने वाला है। लेवल 6 के बारे में अगर बात करने वाले तो भाई लेवल 6 के बारे में यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है, किसी भी भागते हुए एनिमी पे अगर आप लोग इससे फायर करने वाले हो तो भाई एक्स्ट्रा डैमेज उसे लगने वाला है। ये सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर आप लोग को देखने मिलने वाला है। 7 लेवल पे अगर बात करने वाले तो भाई इस तरह का आप लोग को स्किन देखने मिलने वाला है। देखो 7 लेवल तक आप लोग को यहाँ पे रिव्यू मिल गया है, बट 8 लेवल का जो इसका फाइनल टच होने वाला है मेरा जो फिनिश टच होने वाला है वो फिलहाल के लिए भी इसके अंदर ऐड नहीं किए गए हैं। जल्दी मैं आप लोग को इसके रिव्यू मिलाकर देने वाला। अब ये जो ईवो स्किन है आप लोग को हमारे गेम के अंदर आने वाले मार्च के मंथ तक देखने मिल सकता है, क्योंकि भाई फरवरी में तो वैलेंटाइन डे इवेंट ही आने वाला, जिसके बाद आने वाले मार्च के मंथ में ये स्किन आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला। आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन सारे अपडेट्स के लिए मैं मिलता हूं किसी और वीडियो न्यू अपडेट के साथ। बाय गाइस।